उनको स्वीकार नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है, और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई, और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने दो दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मांगते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है, और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है, ये फर्क है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था, कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे, आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी छुट्टी मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नौसेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे, नौसेना की युद्धपोत मंगवा लेते थे मौज मस्ती के लिए, आज उसी नौसेना के जहाज दूर देशों में फंसे भारतीयों को अपने घर लाने के लिए, गरीबों को अपने घर लाने के लिए उपयोग में आते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग आचार व्यवहार चाल चरित्र से राजा बन गए हो, आधुनिक राजा के रूप में ही जिनका दिमाग काम करता हो, उन्हें गरीब का बेटा यहां होने से परेशानी होनी होनी है। आखिर ये नामदार लोग हैं और ये कामदार लोग हैं। आदरणीय देखिए, कुछ बातें बहुत ही समय पर मुझे कहने का अवसर मिलता है, बहुत सी बातें ऐसी होती है, इत्तेफाक देखिए, ये कोई मैं तो तय करके बैठता नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक देखिए, कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी, उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है,
लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो ये सीना तान के कहते, देखिए मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप में भी जनता जनार्दन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूं, कभी पसीना पोंछता हूं, तो कहते हैं देखिए मोदी को पसीना आ दिया। देखिए इनका जीने का सहारा, देखिए। एक गीत की पंक्ति है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, कितने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है, और अब उसका नतीजा यह हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं, लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं, मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है।